ए हेउछन्ति पिहु कटरका। घर रायगढ़ जिला कल्याण सिंहपुर ब्लक पट्टीभटा गाँ। बयस 25। जो बयस निजे रोजगार करी परिवार पोषिबा कथा से बयस परिवार उपरे होई जाइछन्ति बोझ। एक अजणा रोग से पीड़ित हो मेरुदंड जंत्रणा सह गोटे गोड़ अचल हो जाइछि। दस पाद चलिले असह्य मेरुदंड जंत्रणा। ना अधिक समय सोई पारुछंती ना बसी पारुछंती। अधिक चिकित्सा निमन्ते अर्थ साजिछि बाधक। भंगा दर्दरा घरे बितुछि जीवन। एबे सरकारी सहायता अपेक्षा रे परिवार बुली ता बोले आमा गरीबी लोक मान को खाइबा पई असुविधा। बुलवा पई पैसा खर्च नै। दुई वर्ष तीन चार वर्ष बुली देखले हेले भी हम पैसा खर्च नै। बुलवा पई शक्ति नै। हम केते बुली बाई न से पई ती रही जाई ती लो अवस्था को रही जाई छंती। स्वल्प रोजगार थिबा स्वते बेस हस खुश रे कटुथिला जीवन। दिन मजुरिया भाबे काम करी स्त्री और दुई पिला सह रहुथिले पिहु। किंतु हठात कौनसी अजणा रोग से पीड़ित हो अचल होइगले। गोटे गोड़ एवं सृष्टि हेला मेरुदंडरे असह्य जंत्रणा। गोटे बिछणारे कटिला जीवन। चिकित्सा निमन्ते प्रथमे कल्याण सिंहपुर परे रायगढ़ डाक्तरखाना नेले। किंतु कौनसी सुफल मिली पारिला नाही एवं अर्थ अभावरु उच्च चिकित्सा कराई पारिले नाही परिवार। 60% विकलांग प्रमाणपत्र थाई मध्य आज जाए कौनसी सरकारी सुविधा पाई पारि नाहंति पिहु। दिव्यांग भर्तारु मध्य आज जाए वंचित अछंति पिहु। ए संपर्क में आम प्रशासन दृष्टि को आनिबा परे गोष्ठी उन्नयन अधिकारी ए संक्रांत अवगत अछंति एवं अतिशीघ्र निमन्ते सरकारी सहायता जोगाई दिया कथा कहिछंति। एबे समय ही कहिबो केबे पिहु सरकार को सहाय्य पाइबो। आज्ञा आम रायगढ़ मेडिकल रे पिला को ट्रीटमेंट करबा पई नैतिलु। सर्टिफिकेट मिसा देले तार सरकार सहाय्य किछि हेइ पारि नै। एबे पर्यंत घर भी किछि नै। आज्ञा तार घर बसला बुसल हेइ गला। पवन जड़ वर्षा लगे एबे अन्य घर को से डाकिलारु अछि। ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତାର ପେନସନଟା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମର ଡିଆର ଲୋନ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତାରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର 25,000 ସ୍କିମ୍ଟା ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ସହାୟତା। ସେ ତାକୁ 25,000 ଯଦି ଡିଆର ଲୋନ୍ଟା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ସିଏ କଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ସେ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ପିଲା ଦୁଇଟା ପୋଷିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପୋଷିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆବାସ ଘର କିମ୍ବା କି ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଯଦି ମିଳିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏଇ ଘଟଣା ଉପରେ ମୁଁ ଅବଗତ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ହିଁ ତାର ମାନେ କେସ୍ଟା ଫରୱାର୍ଡ କରାଗଲା। ସେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାର ପିଏଚ୍ଡି ମାନେ ପିଏଚ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଲା। କଲା ପରେ ତାର ଆମେ ଇଲିଜିବିଲିଟି ସାରେ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛୁ ସାଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ। କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁରରୁ ଗଣେଶ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।